नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही घाटी में तनाव। हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत। श्रीनगर में 11 जगहों पर लगाया गया कर्फ्यू। परेशानी के चलते घर वापस लौट रहे हैं अमरनाथ यात्री। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उमर अब्दुल्ला से बात। घाटी की स्थिति पर की चर्चा। रद्द हुई जाकिर नाइक की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस पर करार। आज सुबह 8 बजे लौटना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामने आया नस्लीय भेदभाव का मामला। फेसबुक पर मणिपुर की लड़की ने इमिग्रेशन ऑफिसर पर लगाया आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताया खेद। पुर्तगाल बना यूरो कप का विजेता। रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से हराया। सड़क पर समर्थकों का जश्न। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में तनाव अभी भी बना हुआ है। भीड़ ने कल दक्षिणी कश्मीर में बीएसएफ के कैंप को अपना निशाना बनाया। वहीं भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। तनाव के बाद श्रीनगर में 11 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और 1200 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस बीच अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों ने वापस घर लौटने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अमरनाथ यात्री जम्मू से बालटाल और पहलगाम नहीं जा सकेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और अन्य स्थानों पर फंसे अमरनाथ यात्रियों को जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हालातों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गृह सचिव, आईबी, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आ रही है, वो ये कि हिंसा के पीछे हाफिज सईद का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठा हाफिज हिंसा को उकसाने का काम कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार स्थिति खराब हो रही है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं अब खबर यह भी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से बात की है। बताया जा रहा है कि हालातों पर काबू पाने के लिए राजनाथ सिंह ने सभी का सहयोग मांगा है और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, तमाम मुद्दों पर गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से बात की है, ताकि तनावपूर्ण हालातों पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के आज भारत लौटने पर सस्पेंस बना हुआ है। उसे सऊदी अरब से आज भारत लौटना था। अधिकारियों के मुताबिक पहले सूचना थी कि सुबह 8 बजे जाकिर भारत पहुंचेगा, लेकिन वह 8 बजे भारत नहीं पहुंचा। फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है कि वो भारत कब लौटेगा। वहीं जाकिर की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब रद्द कर दी गई है। माना जा रहा है कि लगातार कस रहे शिकंजे के चलते जाकिर भारत नहीं लौट रहा, क्योंकि पहले ही खबरें आ रही हैं कि भारत लौटते ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जाकिर नाइक के मन में भी वो डर है, जिसकी वजह से जाकिर भारत लौटने में हिचकिचा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि वो भारत लौटने से पहले विदेश से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी सफाई पेश करेगा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जाकिर के भाषणों की जांच शुरू कर दी है, साथ ही जाकिर के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। सरकार को शक है कि जाकिर की संस्था को मिलने वाले चंदे का इस्तेमाल नफरत फैलाने में किया जा रहा है। वही बांग्लादेश में भी जाकिर नाइक के पीस टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि उसके भड़काऊ भाषण से प्रेरित होकर ही कुछ आतंकवादियों ने ढाका के एक होटल पर हमला किया था। और अब अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां IGI एयरपोर्ट पर नस्ल भेद का मामला सामने आया है। फेसबुक पर मणिपुर की एक लड़की ने इमिग्रेशन ऑफिसर पर नस्ल भेद का आरोप लगाया है। लड़की ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनके साथ यह घटना शनिवार को IGI एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर हुई। मणिपुर की मोनिका ने बताया कि जब वे इमिग्रेशन डेस्क पर पहुंची तो उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, पक्का इंडियन हो? मोनिका ने इस अधिकारी से जब ये कहा कि वो लेट हो रही है, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। इस पर अफसर ने कहा कि एयरक्राफ्ट आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, आराम से जवाब दीजिए। मोनिका ने कहा कि जब उन्होंने अफसर से कहा कि वो मणिपुर की रहने वाली है, तो अफसर ने मोनिका से पूछा, अच्छा ये बताओ कि मणिपुर के बॉर्डर से कितने राज्य सटे हैं? मोनिका ने इस पूरी घटना को फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद जब ये मामला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचा, तो उन्होंने ट्वीट कर कहा
मोनिका, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, इमिग्रेशन मेरे पास नहीं है। सुषमा ने यह भी कहा कि वे इस पूरे मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगी, जिनके पास इमिग्रेशन विभाग है। और अब बात यूरो कप की। पेरिस में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने फ्रांस को हरा कर इतिहास रच दिया है। पुर्तगाल ने फ्रांस को 1-0 से हराया। ये पुर्तगाल की पहली बड़ी खिताबी जीत है। वहीं फ्रांस तीसरी बार यूरो चैंपियन बनने से चूक गया। पुर्तगाल के एडर ने 110वें मिनट में 25 मीटर की दूरी से शानदार गोल दाग कर जीत अपने नाम की। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जीत का जश्न स्टैंड में बैठकर मनाना पड़ा। घुटने में चोट के कारण वह मैच से बाहर हो गए थे। पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। जीत के बाद कप्तान रोनाल्डो ने गोल दागने वाले एडर को गले लगा लिया। वहीं पुर्तगाल के समर्थक भी सड़क पर उतर आए और उन्होंने जीत का जश्न मनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।